भगवान जी का दर्शन कर लीजिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज थर्सडे है और अभी 10:30 बज रहा है और अभी से मैं अपनी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज बहुत ठंड है, लास्ट 2 डेज से आज ज़्यादा ठंड है। आज कोहरा कम है, धुंध कम है, लेकिन आज ठंडा बहुत ज़्यादा है। बाहर का ये व्यू देखिए, विजिबिलिटी आज ज्यादा है कल और परसों के मुकाबले, लेकिन आज ठंड बहुत ज्यादा है, इसलिए देखिए मुझे आज घर में ही हुडी पहन कर रहने पड़ रहा है। इतना ठंड है कि मुझे आज कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, इवन खाना भी बनाने मन नहीं कर रहा है, खाने को भी मन नहीं कर रहा है। और क्या, और इतना सर्दी में और बैठे बैठे सब्जी काटे फिर उसको पकाए, इतना सर्दी में ना सब्जी खाने का भी मन नहीं करता, बेटा भी खाना नहीं चाहता है, और मुझे कुछ गरम गरम चाय पकौड़ा ऐसा ही खाने का मन कर रहा है, खाना एकदम खाने का और बनाने का मन नहीं कर रहा है। आज क्या करूंगी, टाइम पे देखा जाएगा। काम तो घर में बहुत पड़ा है, और सुबह से ब्रेकफास्ट बनाने का बाद बेटा स्कूल गया, वो ब्रेकफास्ट करके फिर हस्बैंड भी ऑफिस चला गया, फिर उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि क्या करे क्या करे, काम तो बहुत पड़ा है, कुछ कपड़ा भी धोना है, रोज का बर्तन भी धोना है, फिर लंच के लिए भी प्रिपेयर करना है, बहुत सारा, जैसे सबका होता है, सभी हाउसवाइफ का काम होता है रोज का। लेकिन इतना ठंडा में ना मैं चादर ओढ़ के बैठे बैठे सोच रहा था कि क्या करे क्या नहीं करे, कहाँ से काम शुरू करे, ऐसे में लगभग 1.5 घंटा बैठा रहा, एकदम कुछ करने का हिम्मत नहीं पड़ रहा था। पानी वाला काम, कितना भी आप हीटर चला लो ना, हीटर से हटने के बाद एकदम हाथ अचानक एकदम ठंड हो जाता है, सुन्न हो जाता है, कुछ सब्जी धोने का मन नहीं कर रहा है, कपड़ा धोने का मन नहीं कर रहा है, क्या करूँ अब। आज लंच में कुछ जैसे तैसे मतलब जुगाड़ू करने पड़ेगा, खाने का भी मन नहीं कर रहा है और बनाने का भी मन नहीं कर रहा है, देखता हूँ क्या करे आज। आज सोचा था ब्लॉग स्टार्ट नहीं करूँगी, ठंड में कुछ करने का मन नहीं कर रहा, ब्लॉग भी बनाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन सोचा ठंड तो अभी तो रहेगा ऐसे 2-3 महीना, और 2-3 महीना क्या मेरा रोज का काम बंद रहेगा क्या, तो मैं अपना ब्लॉग शूट करना क्यों बंद करूँ, इसीलिए हिम्मत जुटा के उठ के आई हूँ कि छोटा छोटा दिन भर का जितना भी क्लिप हो सके बना लूँ, फिर उसको आप लोग का सामने वीडियो का रूप में प्रेजेंट करूँ, काम तो करना ही पड़ेगा, हिम्मत जुटा के मैं उठ के आई हूँ। अभी देखते हैं पूरा दिन भर में आप लोग को क्या दिखाया, एक बहुत ही अलसी दिन होगा आज मेरा, इस अलसी दिन में मैं क्या करूँगी, कैसे क्या जुगाड़ करती हूँ आप लोग को दिखाते जाऊंगी, आप लोग एंजॉय करते जाइए। फिर सोचा काम करने का पहले पहले एक बार घर का काम देख के आऊं, कल पेंटिंग का काम खत्म हो गया और आज थोड़ा इलेक्ट्रिशियन का काम है और साफ सफाई का, रूम का साफ सफाई का काम बाकी है, तो ये लोग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो थोड़ा देख के आता हूँ, फिर उसके बाद खाना वाना का देखूंगी। ये देखिए पेंटिंग का बाद घर ऐसे दिख रहा है, कल पेंटिंग का काम खत्म हो गया। ये गैरेज है, यहाँ पे गाड़ी रखेंगे, और दो पोर्च भी है और दो गाड़ी रखने का स्पेस भी है, टोटल 3 गाड़ी रखने का स्पेस है, बहुत सुंदर है आउटडोर व्यू। ये मेन एंट्रेंस है लेकिन यहाँ से कम ही अंदर जाते हैं, यहाँ पे और एक एंट्रेंस है, ये यहाँ से जाने से डायरेक्ट डाइनिंग स्पेस मिलता है, इस रास्ते से इस डोर से ज्यादा एंट्री करते हैं सब लोग। ये देखिए ड्राइंग रूम और फर्स्ट बेडरूम, ये बेटा का बेडरूम है इसमें, और ये किचन में इसमें पिंक कलर दिया है, ड्राइंग रूम डाइनिंग रूम बेटा का बेडरूम और किचन, ये किचन काउंटर है, इसमें लाइट बेबी पिंक का कलर यूज किया है, पेंट किया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, कोई तो दिखाई नहीं दे रहा, लगता है कोई आया नहीं आज काम करने के लिए।
और कॉरिडोर से अंदर जाने से और 3 बेडरूम मिलता है। ये वाला बेडरूम में क्रीम कलर लगाया और ये एक और ये एक, ये 2 बेडरूम में पैरट कलर, लाइट पैरट कलर का पेंट किया है। ये एक स्टोर रूम है, इसमें पिंक कलर क्या है, ये सब अभी साफ सफाई करना है। देखिए सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है, इसे वॉशरूम वगैरह ये सब ठीक करना है। कोई आया नहीं अभी तक, अभी कहाँ गया है काम करने वाला लोग, अभी ढूंढने पड़ेगा। देखिए कितना बड़ा बड़ा खागर यहाँ पे है, इन लोग की वजह से ना कोई भी पेड़ पौधा बचता नहीं है, सब खाके खत्म कर देता है। ऊपर से बंदर और नीलगाय तो है, इन लोग का उत्पात से ना कोई भी फूल का पौधा वगैरह या कोई भी साग सब्जी रहता नहीं है। ये सब है ना, ये सब नीलगाय का लिटर है। यहाँ पे जरूर रात को नीलगाय था, इसलिए यहाँ पे लीटर पड़ा हुआ है। बंदर, गाय, मतलब नीलगाय, खागड़, ये सब की मतलब उत्पाद से ना कुछ भी यहाँ पे लगाया नहीं जा सकता है। कोई काम करने वाला दिखाई नहीं दिया, इसलिए वापस घर चल रही हूँ फिर से। मेरा एलोवेरा की फूल आज भी खिला हुआ है, झड़ा नहीं अभी तक है, कई दिन हो गया है। ये देखिए मेरी अनार की पौधा में फूल आया है। लास्ट रेनी सीजन में 2 छोटा-छोटा सैपलिंग्स लगाया था और अभी 1 साल हुआ है, देखिए कितना बड़ा हो गया है ये 2 पौधा। फूल तो बहुत आया है लेकिन सब झड़ जाता है, पता नहीं क्यों, एक भी फल नहीं बना फूल से। बहुत सारा फूल दिखता है रोज रोज लेकिन सब झड़ जाता है। आप लोग को अगर मालूम है कि क्यों फूल झड़ जाता है, फल क्यों नहीं बनता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा प्लीज। आज मेथी साग बनाएंगे, आलू और मेथी साग सूखा भाजेंगे। कुकर में आलू, टमाटर, प्याज और हरी मिर्ची में उबाल लूंगी, थोड़ा नमक हल्दी देके उसको 2 सीटी लगा लूंगी। इधर देखिए न्यूट्रेला सोया चंक्स अभी मैं उबाल लूंगी, उसको गर्म पानी में थोड़ा उसको सॉफ्ट कर लूंगी। फिर इसको वो जो आलू और टमाटर उबाल रही हूँ उसका साथ इसको पकाऊंगी। इसमें थोड़ा हरी मटर भी डाल दूंगी। ये एक रेसिपी होगा कारी टाइप, बहुत कारी नहीं, थोड़ा ग्रेवी ग्रेवी, मसाला ग्रेवी का एक रेसिपी बनाऊंगी। सर्दी में ऐसा खा के, स्पाइसी कड़ी खा के बहुत अच्छा लगता है। मसाला का जो ट्रे है इसमें मसाला कम हो रहा है, हल्दी कम हो गया था, अभी थोड़ा हल्दी डाल रहा हूँ। इसमें गरम मसाला रहता है, ये भी कम हो गया, ये भी अभी डालूंगी, ये सब फिर से फिलअप करना पड़ेगा। ये एवरेस्ट का गरम मसाला है, इसको अभी ट्रे में भर दूंगी। मैं सोया चंक्स जब भी उबालती हूँ थोड़ा नमक देके उबालती हूँ, तब अच्छे से साफ हो जाता है। बाद में लगा मुझे कि आलू, टमाटर और सोयाबीन का जो कड़ी होगा उसमें अगर 1 दे दिया जाए तो वो ज्यादा स्वादिष्ट होगा, इसीलिए मैं 3 एग भी उबाल लिया, क्योंकि 1 बेटे का फेवरेट है और आज सर्दी भी बहुत है, ठंडी भी बहुत है, इसलिए 3 एग भी कड़ी में डालने का सोच लिया, इसलिए ये 3 एग उबाल लिया। छोंक लगाने के लिए मैं लौंग, इलायची, दालचीनी और तेज पत्ता लिया हूँ। प्याज आलू का साथ ही उबाल रहा हूँ, आलू और टमाटर का साथ, इसलिए तेल में मैं फिर से नहीं डालूंगी और अदरक लहसुन का पेस्ट यूज करूंगी। और सूखे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और मिर्ची पाउडर ये सब यूज करूंगी, नमक हल्दी। पहले अंडा को फ्राई कर लेता हूँ। Thank you.
साबुत गरम मसाला दे रहा हूँ अभी। अब यहाँ पे मटर दे देंगे। मटर को थोड़ा फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट दे दिया। फिर आलू का साथ जो टमाटर उबाल के लिया था वो दो टमाटर यहाँ दे देंगे और इसको अच्छी तरीके से मैश कर देंगे। इसको अभी अच्छी तरीके से पका लेंगे। जब थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ने लगेंगे ना तब इसमें सोया चंक्स दे देंगे जो उबाल के रखा था। उसके बाद उबला हुआ आलू डाल देंगे। अब यहाँ मसाला पाउडर डालेंगे। पहले हल्दी डाला, फिर चिली पाउडर डाला, फिर थोड़ा सा गरम मसाला डाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर। आप मसाला आपका स्वाद का अनुसार, आपका सब्जी का क्वांटिटी अनुसार डाल लीजिए। अब मैं थोड़ा नमक भी डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि आलू उबालने का टाइम में मैं नमक दिया था। अभी मसाला तेल छोड़ने लगा है। अभी मैं यहाँ पे उबला हुआ जो उबाल के रखा था सोया चंक्स न्यूट्रेला वो दे देंगे। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे उबला हुआ आलू डाल देंगे। सोयाबीन अच्छे से फ्राई हो गया। अभी मैं आलू डाल दूंगी यहाँ पे, जो आलू उबाल के रखा था। इसको भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे। आलू खूब अच्छे से फ्राई हो गया। सारा सब्जी अच्छा से फ्राई हो गया। मसाला का अच्छा खुशबू निकल रहा है। अब स्टेज में मैं अंडा दे के यहाँ पे जो आलू उबला हुआ पानी है, आलू और टमाटर जहाँ पे उबला था वो पानी यहाँ पे दे दूँगी, क्योंकि वहाँ पे प्याज है, उसमें मैं प्याज दे के उबाला था इसीलिए वो पानी दे दिया। अभी मैं इसको अच्छे से उबल आने दूंगी और जब थोड़ा सा थिक हो जाएगा कड़ी तब मैं इसमें कसूरी मेथी डाल के इसको गैस को बंद कर दूंगी। अब इसको मैं थोड़ा टाइम ढक्कन लगा के पकाऊंगी। मेरा ये मिक्स इंग्रेडिएंट्स का कड़ी रेडी हो गया है। बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। अब मैं ये कसूरी मिठी वहाँ पे डाल दूंगी। कसूरी मिठी डाल दिया और दो साबुत हरी मिर्ची डाल दूंगी, इससे खुशबू अच्छा आता है। ये सर्व करने के लिए एकदम रेडी हो गया है। अब मैं गैस को ऑफ करके इसमें लीड लगा दूंगी, ढक्कन लगा दूंगी ताकि इसका खुशबू बाहर नहीं निकल जाए, सब्जी में ही मिक्स हो जाए। इसलिए इसको ढक्कन लगा के बंद करके रखूंगी और गरम गरम स्टीम राइस का साथ इसको सर्व करूंगी। अभी 6:47 हुआ है। पास का ही एक मार्केट में जाके थोड़ा
सब्जी शॉपिंग करके आई हूँ। अभी 7 PM है। अभी हम लोग पास का ही एक मार्केट में थोड़ा सब्जी लेने गए थे। रात को गांव का रास्ता कितना अंधेरा होता है देखिए, कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, बस गाड़ी का हेडलाइट में चलने पड़ रहा है। अभी 7 बजे ऐसे लग रहा है कि रात को 12 बजा है। ये हनुमान मंदिर है गांव का। और धीरे धीरे देखिए रास्ता का ऊपर में ना धुंध जमा होना शुरू हो गया है, विजिबिलिटी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। कहीं कहीं धुंध हल्की गिर रहा है और कहीं कहीं बहुत डेंस हो रहा है। ये देखिए धुंध कैसे फ्लोटिंग हो रहा है रास्ता का ऊपर हवा में, और यहाँ थोड़ा हल्का है, कहीं कहीं बहुत थिक है, कहीं कहीं थोड़ा थिन है, लाइटली है। अभी भी घर पहुँचने के लिए 5-6 किलोमीटर बाकी है। यहाँ देखिए रास्ता का ऊपर में कैसे फॉग फ्लोटिंग हो रहा है। अपने कैंपस के अंदर में ज्यादा धुंध पड़ता है। दिखने में अच्छा लगता है। ये हम लोग का कैंपस का मेन गेट है। यहाँ देखिए कितना धुंध गिरा हुआ है। कैंपस का अंदर में ना ओपन स्पेस ज्यादा है ना फील्ड, इसीलिए यहाँ पे धुंध बहुत कोहरा बहुत ज्यादा होता है। ये देखिए एकदम विजिबिलिटी एकदम सडनली कम हो गया है। ये देखिए एकदम सफेद दिख रहा है, रोड एकदम दिख नहीं रहा है, सामने कोई स्ट्रीट एनिमल वगैरह होने से भी दिखाई नहीं देगा। इतना डेंस फॉग में ये सब फॉग लाइट वगैरह ये सब कुछ काम नहीं करता है, अंदाजा में गाड़ी चलाने पड़ता है। के कुछ भी दिखाई नहीं दे, गाड़ी लाहे लाहे चलाबा बुझिला, गोरु सोरु आही जाबा पटके आगत। यहाँ देखिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे लग रहा है हम लोग कोई हिल स्टेशन में आ गई हूँ। गाड़ी एकदम अंदाजा में ही चल रहा है। और 5-10 दिन बाद यहाँ पे और कोहरा जमेगा, तब तो जीरो हो जाएगा विजिबिलिटी। अभी तो 1-2 फुट है, 1 मीटर जैसा है विजिबिलिटी, और 10 दिन का बाद इतना ठीक वो होगा ना कोहरा गिरेगा, तब विजिबिलिटी एकदम जीरो ही हो जाता है। इस जगह में देखिए इस जगह एकदम साफ है, यहाँ पे कोई धुंध नहीं है। यहाँ पे ऐसा होता है कहीं कहीं एकदम साफ होता है, कहीं कहीं अचानक बहुत डेंसली फॉगिंग हो जाता है। यहाँ पे ना दोनों साइड में बहुत बड़ा बड़ा पेड़ है, इसलिए इस जगह में ज्यादा धुंध नहीं पड़ता। जब ओपन स्पेस जहाँ ज्यादा होता है ना उस एरिया में धुंध ज्यादा होता है। यहाँ देखिए साइड साइड में बड़ा बड़ा ये वो जंगल है ना, इसीलिए यहाँ पे इतना धुंध नहीं होता है ये एरिया में। और यहाँ जहाँ पे जंगल कम है ओपन स्पेस ज्यादा है वहाँ पे ज्यादा धुंध होता है। अभी धीरे धीरे फिर से धुंध बढ़ रहा है। ये देखिए यहाँ पे एकदम हवा में फ्लोटिंग हो रहा है। एकदम हिंदी फिल्म का हॉरर मूवी का सीन जैसा लग रहा है। लेकिन देख के बहुत अच्छा लग रहा है, जो भी हो ये सब धुंध होना
फॉगिंग होना ये सब नेचुरल फिनोमेना है, ये सब अगर नहीं होगा ऐसा लगता है कि पूरा क्लाइमेट चेंज हो गया पोल्यूशन की वजह से ऐसा लगता है। इसलिए सर्दी में सर्दी होना चाहिए, धुंध गिरना चाहिए, गर्मी में गर्मी होना चाहिए, ये सब नेचुरल फिनोमेना होता है। हम लोग घर पहुंच रही हूँ। आज स्ट्रीट लाइट भी जलाना जे के लिए जली से ना हम लोग क्वार्टर पहुंच गए हो। ये देखिए हम लोग का नया घर का पास पहुंच गया जहाँ लाइट जल रहा है, और 5-6 दिन में हम लोग यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। और इस लाइन का लास्ट वाला घर जहाँ पे हम लोग फिलहाल रह रही हूँ, ये पहुंच गई हो घर। तो फ्रेंड्स मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरी चैनल उसास ब्लॉग को प्लीज 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 सब्सक्राइब करना ना भूले। मेरी चैनल में जो नया व्यूअर्स आया है उन लोग को मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल बटन है उसको दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोग को टाइम टाइम में पहुंचते रहे, रेगुलरली पहुंचते रहे। उसके लिए मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।